मी श्रुति मिशन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रिव्यू जो कि है लोटस वाइट ग्लो एक्टिव स्किन वाइटनिंग प्लस ऑयल कंट्रोल फेस वॉश के बारे में। गाइज, ये फेस वॉश है ऑयली स्किन के लिए एंड स्किन को फेयरनेस देने के लिए, स्किन को लाइट करने के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को परचेज करने का तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है कि नहीं और ये अपने क्लेम्स पे कितना खरा उतरता है कि नहीं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेड बटन को प्रेस करके। कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करूंगी, सबकी हेल्प करूंगी एज सून एज पॉसिबल। एक्टिव स्किन वाइटनिंग प्लस ऑयल कंट्रोल फेस वॉश फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन। गाइस, 50 ग्राम का ट्यूब, इसकी प्राइस 130 रुपीज है एंड इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स की है, 3 ईयर्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ये काफी अफोर्डेबल प्रोडक्ट, मैं नहीं कह सकती हूँ कि 50 ग्राम का फेस वॉश 130 रुपीज का सबके लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, बट अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप नायका से चेक कर सकते हैं purple.com में, उसमें ये थोड़ा सा डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। पैकेजिंग की बात करें गाइस, तो ये इस तरीके की पैकिंग में आता है। पैकिंग काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आई, थोड़ी सी हटके है एंड बैक पे प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन है और इस तरीके का नोजल है, आप देख सकते हैं। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें गाइस, तो ये बिल्कुल जेल बेस्ड फेस वॉश है। स्मेल इसकी एकदम फ्रूट्स की तरीके है, बिल्कुल फ्रूटी टाइप की स्मेल है। लेदर क्रिएट करने की बात करें गाइस, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ज़्यादा लेदर क्रिएट नहीं करता है बट फेस को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है। अब मैं रीड करती हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या मिक्स किए गए हैं। हर्बल इंग्रेडिएंट्स है एंड साथ ही साथ इसमें केमिकल भी है एंड ये कोई पैराबेन फ्री प्रोडक्ट नहीं है, इसमें पैराबेन मिक्स किया गया है। अब मैं रीड करती हूँ उसका क्लेम, एक्टिव स्किन वाइटनिंग प्लस ऑयल कंट्रोल फेस वॉश क्लींजेस डीपली विदाउट कॉजिंग ड्राइनेस और इरिटेशन, कंट्रोल मेलानिन प्रोडक्शन, रिजल्ट वाइटर ब्राइटर एंड रेडियंट स्किन, कम्स विद 2 पोटेंट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट एंड इसमें बियरबेरी एक्सट्रैक्ट। इसमें ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट है जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ऑयली स्किन के ऑयल को बहुत कंट्रोल करता है एंड इसमें बियरबेरी एक्सट्रैक्ट है जो कि हेल्प करता है फेस से पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, फेस को ग्लो देता है, एजिंग इफेक्ट को कम करता है एंड पोर्स को कम करता है, पोर्स के साइज को मिनिमाइज करता है और स्किन को क्लियर ग्लोई इफेक्ट देता है। जो गाइस, ये फेस वॉश मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 डेज यूज़ किया क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था। मेरी स्किन नॉर्मल ऑयली है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। इसको यूज़ करने के बाद मुझे फील हुआ कि मेरी स्किन ड्राई होती जा रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेस से ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, तो ये मेरी स्किन के लिए थोड़ा ज़्यादा हार्श हो रहा था। वाइटनिंग की बात करें गाइस, तो मुझे एज सच 5 डेज यूज़ करने में स्किन वाइटनिंग फील नहीं हुआ, बट हाँ, इसको यूज़ करती थी तो बिल्कुल फेस से ऑयल क्लीन हो जाता था जिसकी वजह से फेस में एक ग्लो सा लगता था, जो ज़्यादा चिपचिप की वजह से स्किन में कॉम्प्लेक्शन डल होने लगता है वो ये बिल्कुल कंट्रोल करता है, फेस को अच्छा सा ग्लो देता है जो कि बना रहता है 2 से 3 घंटे तक। और अगर पिंपल्स कंट्रोल की बात करें गाइस, तो हाँ, अगर आपको ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स हो रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके पिंपल्स को कंट्रोल करेगा क्योंकि मेरे भाई की स्किन ऑयली है एंड उसको पिंपल्स होते हैं, तो ये उसकी स्किन पे काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है क्योंकि उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो ये उसके ऊपर ज़्यादा परफेक्टली काम कर रहा था। अगर हाईली रिकमेंड करूँगी उन लोगों की जिनकी एक्सेस में ऑयली स्किन है, वो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए अगर बात करें तो ये बिल्कुल भी प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, ये आपकी स्किन को ओवर कर देगा। सो फ्रेंड, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू द हर्बल वाइट ग्लो एक्टिव स्किन वाइटनिंग प्लस ऑयल कंट्रोल फेस वॉश के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप मेरे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा रेड बटन को प्रेस करके, जिस बगल में लगा हुआ बेल बटन उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।